हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि है हवाई अड्डा मूर्थल। और इसमें है ये दो प्लेन और ये प्लेन के अंदर हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी, तो बने रहिए और पूरा व्लॉग देखते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये दो प्लेन बने हुए हैं जिसके अंदर आपको ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ देंगे। और यहाँ पे और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि कैमल राइड और बच्चों के लिए बहुत सारे प्ले जोन हैं, और ये टॉयज शॉप हैं, और ये ट्रेन जिसमें आपके छोटे छोटे बच्चे घूम के एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये कैमल राइड ले सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों के लिए तो काफ़ी फ़न एक्टिविटी है। और ये मेरे सामने डांस कर रहा था, मैं इसकी वीडियो बना ली थी जो की, तो इसने और भी ज़्यादा डांस करने लग गया। और छोटा सा मिक्की माउस भी था पास में। यहाँ जितने लोगों की टेबल बुक है उसकी एंट्री होगी। और ये बिल्कुल प्लेन की तरह बना रखा कि जैसे बोर्डिंग काउंटर इस पर स्पेसिफाई कर रखा है, ऐसा लगेगा जैसे आप एयरपोर्ट पे हैं। तो यहाँ से अब हम अपने स्टेयर से जाएंगे ऊपर अपनी फ़्लाइट के लिए, जहाँ की हम इस एरोप्लेन में अंदर जाके बैठेंगे। तो इसकी स्टेयर थी, ऊपर पे जाके इन्होंने आपको एक अलग सा फ्लोर दे रखा है और ये मेंशन कर रखा है कि प्लेन वन और प्लेन टू। और यहाँ पे थोड़ा डीजे एरिया था, यहाँ पे डीजे बज रहा था और आप डांस वगैरह कर सकते हैं। और साइड में भी सिटिंग एरिया था कि आप बैठ के यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे थे सीधा अंदर। ये हमारे सामने टू प्लेन थे, ये है इसके अंदर का व्यू, ये है इसके सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठ के डिनर करते हैं। यहाँ हमने एंट्री करी और अपनी सीट ली। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर पीपल आपको प्लेस दे देंगे कि वहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ पे जो थीम थी वो सारी प्लेन के ऊपर थीम थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको सर्व कर रहे थे उन्होंने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई थी। और ये है इनका मेन्यू कार्ड जिसमें सब अवेलेबल था। और आप जैसे कि देख सकते हैं रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल थे, कि मतलब रेट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा थे, रेट भी बहुत रीजनेबल प्राइस था, यहाँ पे इतना महंगा नहीं था। ये सब हमने यहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर करा था जिसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, और जो टेस्ट था वो तो लाजवाब था। मतलब मुझे तो इनका स्नैक्स से लेकर डिनर और सब बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद हम खाना खा के बाहर चले गए। तो वो जो मैंने आपको एरिया दिखाया था वहाँ पे डीजे चल रहा था और लोग ज़्यादा डांस कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। और ये था वहाँ का ऊपर का व्यू। और साइड में यहाँ पे एक छोटा सा फिश एक्वेरियम था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, और आप यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, काफ़ी पीसफुल था। ये आगे था रोटेटिंग कैमरा जिस पर आप खड़े होके हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ भी बनवाई। और खूब सारी मस्ती करके बहुत सारा यम्मी खाना खा के हमने इस प्लेस को बाय कर दिया। तो आप भी अगर इधर की तरफ आएँ और आपको भी कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है तो इस जगह ज़रूर आएँ, और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्लेस से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आगे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय।